सतिकाल दैनिक स्वराज तुहाडा स्वागत है ते मैं हरमन। उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा वालों श्रोमणी अकाली दल वालों श्री हरिमंदर साहिब विखे मनाए गए रोस दिवस नूं लैके श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं चिट्ठी लिखी गई है। रंधावा ने चिट्ठी विच लिखा है कि श्री हरिमंदर साहिब विखे अकाली दल वालों मनाए गए रोस दिवस के नाल उन्हां दे हिरदे नूं भारी ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि रोस दिवस श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार की हाजिरी में मनाया गया है। पंथक इकट्ठ श्रोमणी कमेटी नूं तकड़ा करन तक तां वाजिब है, पर जो तुहाडे वालों बादल दल नूं तकड़ा करन दी अपील की गई उस दे नाल संगतां दे हिरदे वलुंदरे गए ने। उन्होंने कहा कि बादल दल ने अपने आप नूं पंथ अते पंथक होण तों 1996 विच मोगा कॉन्फ्रेंस वेले अते बाद विच भारतीय चोण कमिशन कोल संविधान पेश करके वक्त कर लिया सी। इस दे संबंध विच हुशियारपुर कचहरियां विचों इन्हां दे कई वारी वरंट निकले ने। आप जी नूं इन्हां हिदायत करो कि ओह कोर्ट विच पेश हो के अपने आप नूं पंथक होण जां ना होण दा नबेड़ा कर दे। डिप्टी मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा वालों मजीठिया नूं लैके दिते बयान तो बाद अकाली दल दे सीनियर आगू डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा वालों पलटवार किया गया। डॉक्टर चीमा ने कहा है कि गृह मंत्री वालों जिस तरह माड़ी शब्दावली की वरतों की गई है उस दे नाल उन्हां वालों अपने रुतबे नूं थले किया गया। उन्हां दी शब्दावली विचों नफरत उन्हां दे सियासी विरोधी वल झलक रही है। उन्हां दी नफरत वेख के वह कह सकते हैं कि बिक्रम मजीठिया वालों अदालत जाण दा लिया गया फैसला बिल्कुल सही है। उन्हां कहा कि जिस सूबे का गृह मंत्री अजिही बयानबाजी करता है तो उत्थे इंसाफ की की आस रखी जा सकती है, इसलिए मजीठिया ने जो राह चुनिया बिल्कुल ठीक है। अज जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया के बारे च कीती है और जिस तरह की माड़ी शब्दावली उन्होंने वरतों की है, मैं समझदा कि उन्होंने अपने होम मिनिस्टर का एक जिहड़ा रुतबा हुंदा है ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਾਇਸਡ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 100% ਸਹੀ ਸੀ। इस तों इलावा डॉक्टर चीमा ने नवजोत सिंह सिद्धू वालों किए ऐलान से तंज कसी। उन्होंने कहा है कि जिस तरह लॉलीपॉप सिद्धू वालों दिता गया ऐलान करके उसनों देख के स्पष्ट है कि सिद्धू नूं यकीन हो गया कि कांग्रेस की सरकार तो बनती नहीं। सिद्धू वालों जिहे ऐलान करके मैनीफेस्टो कमेटी नूं जलील किया गया। उन्होंने कहा है कि बड़ी हैरानी की गल है कि सिद्धू की पहली स्टेटमेंट की है और हुण जदों देखिया कि कांग्रेस हार रही है तो झूठे ऐलान कर दिए गए जो कदे भी पूरे नहीं हो सकते। ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਖੇਡਾਂਗੇ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਦੋੜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਦੇ 8 ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ 1000 ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਤੰਜ ਕਸੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਉਂ ਬਈ, ਨਿਕੰਮੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਣਖਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਓਗੇ? ਭਾਈ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ? ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰੂ।
खराच खाने पंजाबी पीख नहीं मंगता ना पीख चाहिए। पहला जड़ा मेरी अनाउंसमेंट है कि गृहणियों के लिए उन्होंने 2000 रुपये हर महीने उन्होंने अकाउंट च और 8 सिलेंडर फ्री। पिछले दिन भारतीय जनता पार्टी विच शामिल होए श्री हरगोबिंदपुर तो विधायक बलविंदर सिंह लाडी मुड़ कांग्रेस विच शामिल हो गए ने। विधायक बलविंदर सिंह लाडी 28 दसंबर नूं भाजपा विच शामिल होए सन अते 6 दिन बाद ही उन्हां दा मन बदल गया। वह भाजपा नूं छड्ड के दोबारा कांग्रेस विच वापसी कर गए। दस दिए कि 28 दसंबर नूं विधायक लाडी अते विधानसभा हलका कादियां तो विधायक कांग्रेसी विधायक फतेह जंग सिंह बाजवा भी कांग्रेस छड्ड के भाजपा विच शामिल हो गए सन। हुण विधायक लाडी वल्लों दोबारा कांग्रेस ज्वाइन कर ली गई है, जिन्हां दा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अते वित्त मंत्री सिंह बादल वालों स्वागत किया गया। साढ़े लाडी जी जेडे कि MLA है, यह इन्हों का पिछले दिनों के आया कि BJP ने ज्वाइन कर लिया, लेकिन अज यह मेरे को आए हैं, मिलन आए हैं, तो असी फैसला किया कि यह कांग्रेस पार्टी ही रहेंगे। कांग्रेस पार्टी नाल ही इन्हों का जीवन मरना है। कांग्रेस पार्टी चो ही इलैक्शन लड़िया, अगे नूं भी कांग्रेस चो ही इलैक्शन लड़ने हैं। इस करके ये जिहड़ी गल सी कि BJP चले गए, गल खत्म है। ये कांग्रेस विच ही है ते कांग्रेस विच ही रहणगे। लाडी जी दसी। बहुत ही धन्यवाद CM साहब, FM साहब, साढ़े मानजोग सारे MLA साहब। सो मैं अज पहला भी कांग्रेस पार्टी बहुत मेहनत की है, अज भी मेहनत करके कांग्रेस पार्टी नूं तगड़ा करन वास्ते दोबारा जिहड़ा पिछले दिनां च BJP च ही गए सी। मेरे मन दे विच कोई ख्याल ऐसा सी कि शायद मैनू किते ना किते पार्टी वालों इग्नोर किया गया, पर अज CM साहब ने सारे भुलेखे दूर करके मैनू फिर विश्वास दवाया कि तुहाडे नाल पार्टी पूरी खड़ी है। सो मैं आस करदा कि जिते अज कांग्रेस पार्टी ने दोबारा मैनू फिर पार्टी वालों काम करन दा मौका दिता, मैं CM साहब दा और कांग्रेस पार्टी दा बहुत बहुत धन्यवाद करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत वालों कांग्रेस ते अकाली दल ते हमला किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार वालों अकाली आगू बिक्रम मजीठिया के खिलाफ दर्ज किया मामला सिर्फ एक ड्रामा है। अंदरों कांग्रेस ते अकाली दल मिले हुए ने, सूबे के लोग इन्हों का असली चेहरा वेख चुके ने। पंजाब सरकार वालों 36,000 कर्मचारियों को पक्का करन दी राजपाल नूं भेजी फाइल ते उन्होंने कहा कि 30 दसंबर नूं राजपाल वालों ये फाइल इतराज दूर करन लई पंजाब सरकार नूं वापस भेजी गई सी, पर पंजाब सरकार इस मुद्दे नूं गलत तरीके नाल पेश कर रही है। 36,000 मुलाजमान के नाल सूबे की जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर सियासत खेड रही है। सूबे की जनता चोणों वेले कांग्रेस को इन्हों की असलियत दिखा देगी। तो सानू हुण तक दे कुछ खास खबरों, ज्यादा जानकारी लिए जुड़े रहो दैनिक सवेरा TV के नाल। ते हुण नज़र मारते हैं अज दीआं मुख खबरां ते। डिप्टी मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा ने श्री अकाल तख्त साहिब नूं लिखी चिट्ठी। अकाली दल वालों श्री हरिमंदर साहिब विखे मनाए रोस दिवस नूं लैके चुके सवाल। डॉक्टर दलजीत चीमा दा सुखजिंदर रंधावा ते पलटवार, कहा मजीठिया ने अदालत दा रुख करके सही किया। औरतां लई कीते ऐलानां तों बाद घिरे सिद्धू, राघव चड्ढा ने कहा सिद्धू दा कोई स्टैंड नहीं। दिनां बाद कांग्रेस विच शामिल होए विधायक लाडी, भाजपा तों होया मोह भंग। केंद्रीय मंत्री शेखावत का अकाली दल ते कांग्रेस ते हमला, कहा अंदरों दोवें इकट्ठे ने।